नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 28 तारीख को बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और आपको मालूम है कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। और आपने देखा कि बिहार में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही ईडी की कार्रवाई भी काफी तेज हो गई। आपने देखा कि पूछताछ लालू यादव से भी हुई है और ईडी की पूछताछ तेजस्वी यादव से भी हुई है। और इन्हीं सब के बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि अब भी बिहार में बड़ा खेल होना बाकी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राजद प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने, बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 28 तारीख को बिहार में बड़ा खेल हो गया, तख्ता पलट हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, इसे जयंत जी कैसे देख रहे हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि हम लोगों ने जो भी वायदा किया था उसको 17 महीने में पूरा किया, अधिकांश बड़े वायदे को तेजस्वी जी ने, और जो भी घोषणा पत्र में हमने कहा और जनता से करार किया जी। उस पर हम खड़े उतरे हैं और जनता हम लोगों की काम काज की शैली से और हम लोगों की वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न है। जो साथी छोड़कर वहाँ यहाँ से गए हैं जी, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो भाजपा के द्वारा ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए। क्या बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने ब्लैकमेल कर लिया? आप नीतीश जी को देखिए, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उन बातों में कहीं कोई दम नहीं है, कहीं कोई तारतम्य नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल इनकोहरेंस में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है बीजेपी वालों के हाथ में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ब्लैकमेल हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का ईमान खरीदने का काम कर रही है। अच्छा? जो इस ब्लॉक में प्रधानमंत्री के दावेदारों में से एक थे उनको मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम सिर्फ इतनी काम, आप लोग तो संयोजक बनाने में भी इतना वक्त लगा दिए कि उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा कि अब हमको नहीं बनना है संयोजक। आप लालू जी को ही क्यों नहीं बना देते? मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी एक प्रमुख दावेदारों में से थे और दावेदार अपनी दावेदारी स्वयं नहीं करता, यह तो महसूस करते हैं आसपास के लोग। तो मेरा इतना कहना है कि अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और भी जगह इस तरह की कार्रवाई, आपको बदले की कार्रवाई देखने को मिलेगी। अच्छा। लेकिन जो लोग भी इधर से गए हैं, हम दुआ करते हैं कि उनकी दुर्गति और दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के लोग और ज्यादा ना करें। नीतीश जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे खराब दौर से चल रहे हैं। अच्छा। और उनका अपने ही निर्णय पर कोई अख्तियार नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है, कुछ लोग हैं जो उनसे तरह तरह के फैसले करवाते हैं। जी जी। और यही आरोप तो उन्होंने भी लगाया कि आप लोग काम नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने तो साफ कहा कि देखिए ना भाई, आप लोग, हम तो मीडिया से भी बात करना छोड़ दिए थे और आप उन्हीं की बात उन्हीं पर लपेट रहे हैं। उन्होंने छोड़ दिया, उनको कुछ लोगों ने कहा होगा कि आप जितना कम बोलेंगे उतना कम हंसी का पात्र होंगे, जितना लंबा खींच जाते हैं वो विधानसभा में किसी बात को समझाते हुए। ऐसे नीतीश जी थे नहीं। नीतीश जी जैसे दिलीप कुमार मेथड एक्टर हैं, तो आप ही लोग की संगति में थे ना, तब तो आप ही के गठबंधन में थे। वैसे ही नीतीश कुमार भी मेथड पॉलिटिशियन कहे जाते हैं, बड़ा सोच समझ के कहाँ कौन सा दांव चलना है ये सब, तो पहले से उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। अच्छा। और जैसे ही विजय चौधरी जी ने इंडिया को इंडी बुलाना शुरू किया, आशंका वहां से दूसरा अनायास नहीं था, विजय चौधरी कोई आज के आदमी है, दूसरा ललन सिंह जी को जैसे ही हटाया, आप याद कीजिए ना 2017 में नीतीश कुमार जी को 6 महीने, शरद जी को 6 महीना पहले ही इन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया था। और जिस तरह की बातें बीच बीच में होती रहती थी कि एक्सप्लेन कीजिए एक्सप्लेन कीजिए, तो वहां भी हम लोगों को आशंका हुई थी। अच्छा। क्या एक्सप्लेन करें भाई, लीगल अफेयर को जनसभा और मीडिया के बीच एक्सप्लेन किया जाता है, पॉलिटिकल अफेयर को आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अच्छा। कि किन कारणों से आप इधर से गए हैं। जी, जी, जी। तो हम तो इतना जानते, मतलब इस बार भी आप
लोग को शक हो गया था कि मुख्यमंत्री जी साथ अंत तक हम लोगों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, सर्वमान्य नेता माननीय तेजस्वी जी ने यह कोशिश की कि विदाउट एनी राइम और रीजन उधर ना जाए, आपकी प्रतिबद्धता क्या है जनता से, आप क्या सोच के इधर आए थे, कुल मिला के फिर फोन पर बात हुई कि नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ खुद चल के गए थे लालू जी और तेजस्वी जी, वो जिस समय आए थे वो कुल मिला के यही माहौल था कि उनकी पार्टी के साथ में 6 MLA को तोड़ लिया था अरुणाचल प्रदेश में, एक और पूर्वोत्तर राज्य, गुहार लगाते हुए आए थे पैदल चलकर एक अड़े मार्टी में 10 सर नहीं जी, उसके जी, उसके भी पहले पैदल चलकर आए थे 10 सर्कुलर रोड तक। तो मेरा कहना है कि नीतीश कुमार जी ने ये जो भी फैसला किया है, हम लोगों से पहले सहयोग लिया हमारे नेता तेजस्वी जी से, अपनी पार्टी को भाजपा के मुंह में जाने से बचाया और फिर हमारी पीठ में, हमारे नेता की पीठ में छुरा भोंक कर उधर चल दिया, खंजर भोंक दिया। और इसको क्या कहते हैं, गांव गांव के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा कृतघ्न राजनीतिज्ञ इस धरती पर कोई नहीं होगा। लालू प्रसाद जी ने तो अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि नीतीश कुमार का भी थोड़ा योगदान था लीडर पोजीशन, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को 3-3 बार बचाई और बनवाई लालू जी ने, जिस समय वो भाजपा से अलग होके आए थे एनडीए से, उस समय भी बाहर से समर्थन दिया था, एक वक्त ऐसा भी आया था मांझी जी की जब नजदीकी भाजपा के साथ बढ़ने लगी तब भी उसमें अखिलेश जी की सरकार थी और कैसे विधायकों को रखा गया था वहां, और फिर 15 में ज्यादा सीटें आई तब भी उनको बनाया, फिर 22 में आए तब भी बनाया, और शर्त क्या थी हम लोगों की, यही क्या शर्त या जो कह लीजिए उसको, आपस की एक समझदारी समन्वय की बात कि हमारा जो भी एजेंडा है उसको एक एक करके पूरा करना होगा, हम आपके नेतृत्व में चलेंगे सरकार। शर्त तो ये भी थी ना कि तेजस्वी को जल्दी से जल्दी गद्दी दीजिए, इसकी हड़बड़ी छोड़िए, इसकी तो कोई हड़बड़ी ही तेजस्वी जी को कभी नहीं रही, ना राष्ट्रीय जनता दल को ना लालू जी को, क्योंकि हम जानते हैं कि आगामी 40 वर्षों की देश की राजनीति को तेजस्वी जी प्रभावित करने जा रहे हैं, और आज की तारीख में तो नीतीश कुमार जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, इस बार भी कह दिया है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बोले कि जहाँ थे वहीं आ गए, इधर उधर जाने जाएंगे। तो एक शेर है कि तकदीरों तकबुर लाख करो, फितरत भी कहीं बदली है कभी, जो मिट्टी है वो मिट्टी है, जो सोना है वो सोना है, नीतीश कुमार जी मिट्टी ही है, सोना तो और खड़ा सोना तेजस्वी जी है और देश की जनता इसको मान रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात मुझे कह लेने दीजिए कि नीतीश कुमार जी जिस किशन पटनायक की विचारधारा लोहिया मंच से जुड़ाव की बात करते हैं, तो राजकुमार जैन ने यही कहा कि इनका जो है किशन जी को नाम लेना इस सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित है, दिल्ली में एक भी सोशलिस्ट भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आपकी सब बात सुन रहे। नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी को क्या बना के छोड़ दिया है, जिस समय 17 में ये जा रहे थे इनकी पार्टी से शरद यादव जी, अली अनवर साहब, केरल से वीरेंद्र कुमार जी, ये सब तो MP थे, इन सब ने कहा कि ये बहुत गलत निर्णय, अपने आप को अलग किया, विरोध किया पार्टी के अंदर कि पार्टी हमारी है, पार्टी को तुम इस तरह से नहीं ले जा सकते। इतना ही नहीं, उदय नारायण चौधरी जी, वो जो रमई राम जी, हाँ ये सारे अर्जुन राय जी जो मंत्री थे, ठीक है हम छोड़े, इस बार एक भी आदमी, एक प्रतीक पटेल नाम के जदयू के कार्यकर्ता हैं और छात्र हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को जान रहा हूँ जिन्होंने इस्तीफा दिया कि हमारी कोई, नीतीश जी की मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई मजबूरी नहीं, लेकिन और तो एक भी नेता ने नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने, तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य महकमे में चलिए बहुत काम किया, ठीक है अच्छा ये बताइए, इसको आप नोट समझ गए, ठीक है पूरी बातचीत में यही सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि 1,35,000 स्वास्थ्य विभाग में नए पद सृजित करके नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप लग दे दिया था तेजस्वी जी ने, लेकिन विभाग गए 2.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली BPSC के जरिए हुई, उसका मतलब है कि आने वाले 30 वर्षों तक बिहार के बच्चों का भविष्य हमने सुरक्षित दिया है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल, जयंत जी मेरा एक सवाल, ईडी से बच पाएंगे लालू जी और हम तो सामना कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं और वो लोग गिरफ्तारी की भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो कुछ भी करें, सबूत लग गया। नहीं नहीं, तेजस्वी जी की कितनी उम्र थी, तेजस्वी जी का नाम तो चार्जशीट में भी नहीं था, ये तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जबरदस्ती का डाला है,
तो हम जान रहे हैं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर बहुत भारी दबाव है मौजूदा हुकूमत का। कभी कहते हैं कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कहते हैं दबाव है, मतलब अपनी गलती नहीं मानेगा। आप क्या गलती, हमारी गलती तेजस्वी जी का सिर्फ इतना गुनाह है कि उन्होंने नई आईटी पॉलिसी बिहार में पहली बार लाया कि कोई कंपनी यहाँ आएगी और हजार बिहारियों को नौकरी देगी तो उसको सरकार सारी सुविधाएं देंगी। तेजस्वी जी का की गलती सिर्फ इतनी है कि राजद कोटे में जो टूरिज्म मिनिस्ट्री था उसमें नई पर्यटन नीति लाए जापान सबूत लग गया। तेजस्वी जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया, पिछली सरकार में भी 56 आरओबी बनवाए, 5000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, पुल पुलिया गांव का खरंजा लगा हुआ। अच्छा ये बताइए पूछना है पूछताछ में क्या पूछा? पूछताछ में हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, जिम्मेदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू जी, तेजस्वी जी लीडर अपोजिशन रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, पूरा सहयोग हमारा जांच में क्या, है क्या लेकिन क्या उनके पास है क्या जो पूछेंगे भाई? 50 सवाल इधर, 70 सवाल इधर, फ्रिवोलस चार्जेज, उसमें कोई दम ही नहीं है, दम ही नहीं है। 2004 से 9 कहां तो जा रहे हैं कि अब गिरफ्तारी की भी तैयारी, कुछ नहीं कर सकते। 4 से 9 में जिस समय रेल मंत्री थे लालू जी, उस समय तेजस्वी जी की कितनी उम्र थी और तेजस्वी जी की शख्सियत से कौन वाकिफ है? बच पाएंगे कि नहीं? इतना निर्मल राजनेता आपने देखा है? बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे? अरे जनता, जनता की निगरानी में हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, जनता खुदे कह रही है कि कितने बेहया लोग आ गए हैं। अच्छा, जो लगातार काम करने वाले लोगों को देश के इतिहास में तो पहली बार जातिवार गणना हो के और जो 93 लाख गरीब परिवार हैं, 94 लाख, उनको दो लाख रुपया दिया 66 स्वरोजगार के लिए, पैसा वापस नहीं लगी, 1250 करोड़ मतलब का प्रावधान कह रहे हैं कि तैयार है। अगर हमने ये किया तो हमारी सरकार कैसे चल जाएगी? आप इसको, ये बहुत स्वाभाविक हुआ है सरकार गिरी है तो कर्पूरी जी ने भी नौकरी दी 7000 इंजीनियर को बुला के गांधी मैदान में, उनकी सरकार भी गिरवा दी जमशेदपुर में दंगा भड़का के। हम लोगों ने इतिहास में पहली बार जातिवार गणना कराया, भाजपा के साथ रहते हुए इनकी हिम्मत थी करवा लेते, भाजपा वाले करने दे रहे थे, खुदे ने बोले कि तेजस्वी जी का ही प्रस्ताव था कि हम लोग दिल्ली तक गए प्रधानमंत्री से मिलने। अभी तो कहा कि सब हमने करवाया है, कल वाला लगता है भाषण नहीं सुना। मैंने सुना, अब इनका भाषण सुनने लायक होता है? कोई एक वाक्य पूरा कर पाते हैं? अच्छा, आधी बात पेट में आधी बात मुंह में। बहुत अच्छे लग रहे थे मुखिया के, तो आज साथ छोड़ दिया है। इज्जत तो, इज्जत तो आज भी हम लोग कर रहे हैं। 2017 में गुस्सा उठ रहा था इन पर जो किया, इस बार गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है, तरस आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए ना भाजपा के साथ रहते हो जी। अच्छा ये बताइए जयंत जी, बात तो सुन लीजिए आप कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को, पिछड़ों को आरक्षण दिया, महिलाओं को, गरीब को, कब कब दिया? 78 में 12 साल तक आरक्षण नहीं बढ़ा, बढ़ा कब? जब लालू जी मुख्यमंत्री बने 90 में, 12 से 14 कर दिया उन्होंने, फिर 10 साल के बाद बढ़ा कब? जब राबड़ी जी ने उसको 18% किया, 5 में वो मुख्यमंत्री स्टार्टिंग, लगभग 18 वर्षों तक आरक्षण नहीं बढ़ा, 18 में 15-16 साल यही थे मुख्यमंत्री, भाजपा इनको आरक्षण बढ़वा देती है। अच्छा ठीक है, इस बीच हिम्मत है, ठीक है ठीक है, सरकार चलाते हुए ये सोशल जस्टिस। अच्छा इस बीच हमने देखा कि ने बढ़वाया 25%, चलिए ठीक है, इस बीच हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी, साफ कह दिया कि खेल बाकी है, और मीसा भारती ने भी साफ कह दिया है कि अभी से लेकर 12 तारीख तक, क्योंकि कयास कई लगाए जा रहे हैं कि अभी से लेकर 12 तारीख काफी महत्वपूर्ण है, कुछ हो सकता है, और मीसा भारती ने भी कह दिया है कि बस आप लोग इंतजार कीजिए। अंदर अंदर क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, लालू प्रसाद जी की सभी बेटियां, लालू जी के सभी दामाद, लालू जी के समधी, लालू जी की समधन, उनके रिश्तेदार, सबको ये लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा। अब ये जुल्म की इंतहा है। क्या करने जा रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ क्या करने जा रहे हैं, नहीं हम तो कुछ भी रात के अंधेरे में नहीं करते, दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा। और यह सरकार आप देखिएगा अपना कार्यकाल 25 तक का पूरा नहीं करेगी, पूरा नहीं करेगी, बड़ी बात कह रहे हैं जयंत, नहीं करेगी, ये अपने अपने ही अंतर विरोधों की मौत मरेगी। अच्छा, कहाँ जा रहा है जयंत जी, कहाँ जा रहा है कि अभी से लेकर 12 तारीख के बीच कुछ हो सकता है? क्या वाकई में भारी है क्या ये तारीखें अभी से लेकर 12 तारीख की? हम तो
हम लोग चंचल चित्त लोग तो है नहीं कि रोज रोज पाले ही बदलते हैं, न तो आस्तीन में सांप लेकर चलते हैं। बहुत खुले हृदय के लोग हैं, विशाल हृदय के लोग हैं लालू जी, इसीलिए बार बार गले लगा लेते हैं कि चलो आखिरकार समाजवादी आंदोलन का आदमी है। नहीं नहीं, हमारा कमिटमेंट है तो है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को हम मुख्यमंत्री नहीं होने दें। जब तक हमारे रगों में हम लोग फिरका परस्त ताकतों का विरोध करते रहेंगे। नीतीश जी आएंगे, नीतीश जी तो रिकॉर्ड बनाने के लिए ही ना पैदा हुए हैं। अच्छा। श्री बाबू से ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन उनको कौन बताए, कोई उनके आसपास शुभचिंतक भी तो नहीं है, सब सत्ता के चाटुकार हैं। अरे अफसर का क्या है, जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे जी सर करते रहेंगे, जैसे ही हटेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, नीतीश जी को ये कौन समझाए कि इतिहास में मूल्यांकन नेता का इस आधार पर होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक और सवाल है। क्या लिए उन्होंने तो अपनी भद पिटवा ली। चलिए ठीक है, मेरा एक और सवाल, हमने देखा है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे ही तेजस्वी यादव का बयान आया, उसके बाद मीसा भारती ने भी साफ कह दिया कि इंतजार कीजिए, गोपाल मंडल नीतीश कुमार के विधायक हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि लालू जी और तेजस्वी जी दोनों ही निर्दोष है, यानी कि मतलब अब तो नीतीश कुमार की भी विधायक आप लोगों की बोली बोल रहे हैं। नहीं, कोई संपर्क में है क्या आप लोग? ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार जी की पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक जो कह नहीं पाते इस खुल के, क्योंकि तो तानाशाह आदमी है जी। संवाद तो करते नहीं, फैसला सुना देते हैं। अरे राष्ट्रीय जनता दल में तो विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय होता है। शरद जी के गुजरने के बाद यह पार्टी जो है अनाथ हो गई। नहीं, वो ठीक है, लेकिन सीधा सवाल कि जेडीयू के विधायक भी आरजेडी के संपर्क में हैं क्या? मीसा जी जो कह रही हैं उसमें पूरी सच्चाई है कि जो पारिवारिक मूल्यों वाला लोग है। हाँ। जदयू में भी जी। जो समाज में कैसे आदमी मर्यादा के साथ चलता है उसका ख्याल रखने वाला जो कोई भी आदमी है, मैं गोपाल मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब गोपाल मंडल जैसे आदमी को भी एहसास है कि बच्चे इनोसेंट है, उनको जबरदस्ती, तो समझिए गांव समाज में और लोगों को कैसा मतलब लगता है। आप कह रहे हैं कि खेला अब भी हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के विधायक है बोली राजद वाली। ये देखिए बोली राजद वाली, ये सोच कर कोई अहदे वफा करो हमसे कि हम एक वादे पे उम्रे गुजार देते हैं। हम प्रॉमिस निभाने वाले लोग हैं, खेला करने और जो कहते हैं तेजस्वी जी वो करते हैं, जो कहा है कहा वो है, और कहा है कि खेला बाकी है, और मैं तेजस्वी यादव मैं कह रहा हूँ कि खेला बाकी है। खेल का तो हम जयन जिज्ञासु से जानना चाहते हैं क्या खेल होगा। खेल यही होगा कि बिहार के हित में जो काम हुआ है 17 महीने में, उसको दुनिया की कोई ताकत चाहेगी भी तो नहीं रोक पाएगी, और रोकने की कोशिश करेगी तो खेल होके रहेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, लेकिन हम 9वीं बार नीतीश जी ने शपथ लिया है, कोई ठीक नहीं 10वीं बार कब लें, लेकिन 25 के पहले ही, 25 के पहले ही, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये तो बोल ही रहे ना कि क्रेडिट ले रहा, अरे भाई काम जो करेगा उसको जनता ही श्रेय देती है। अब जनता का मुंह तो नहीं ना आदमी जब कहेगा कि आप ये नहीं कहिए कि आप अच्छे आदमी, अच्छा आदमी की प्रशंसा हो तो अच्छा आदमी जो है, भला आदमी जो है, जो कामासूत है वो जाके बोले। मतलब ठीक है वक्त कम है हमारे पास, ठीक है वक्त कम है, तो हम बस यही जानना चाहेंगे कि आप भी मान रहे हैं कि कुछ हो सकता है। छोड़ो अहले वफा की बातें, अच्छा क्यों झूठे इकरार करें जी, कल तुम भी शर्मिंदा होगे, कल हम भी पछताएंगे, तो हम बार बार क्या भरोसा करें ऐसे लोगों पर। इनके भरोसे लड़ाई लड़ने हम लोग चले थे, बहुत गफलत में थे हम लोग, पटकने वाले जी, लोग जी, है ना, ये दुल्हाई भाग गया बराती, तो बराती का क्या मैंने कितनी पशेमानी होगी, परेशानी होगी बराती को, इसलिए इनको हम यही जानते हैं कि हम लोगों की तरह ही अगर ये 5 चुनाव में लगातार शिकस्त खाते ना खुदकुशी कर लेते। सिर्फ एक बार अलग चुनाव लड़े थे माले के साथ, 7 सीट आई, अगली ही बारी कूद फांद के नागपुर पहुंच गए, एनडीए में शामिल होने 96 में। चलिए मतलब कि गफलत में बर्दाश्त नहीं होती है, तो सुना आपने
बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ आ गए, वक्त कम है हमारे पास, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। जयंत जिज्ञासु जी ने देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और साफ साफ कह दिया है कि गफलत में वो नहीं बल्कि गफलत में तो हम थे, और इस गफलत में क्या भूल चूक हो गई है वो भी बता रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।